हे गाइस, वेलकम टू दादरी व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। और भाई, मैं तो बढ़िया नहीं हूँ। और पूछो क्यों नहीं हूँ बढ़िया। कल क्या हुआ कि बैठ जाते पहले तो कल क्या हुआ कि मैं बैठा था, बैठे बैठे कुत्ता आया, खा के चला गया। भाई ये देखो, अपने दोस्त के कुत्ते को खिला रहा था मैं, पिटबुल था। और भाई खिलाते खिलाते तो प्यार कर रहा था मैं, हाथ फिरा रहा था उस पर। वो भी प्यार सही कर रहा है, पर वहाँ ने प्यार तगड़ा ही कर दिया। इतना तगड़ा प्यार नहीं करना था उसे। ये देखो इतना सारा काट गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इंजेक्शन लगवाने चलते हैं दादरी, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल। और अगर वहाँ इंजेक्शन नहीं मिलता है तो हमको जाना पड़ेगा बादलपुर। तो बादलपुर जाना पड़ेगा तो भाई दिक्कत आ जाएगी, फिर बाइक हमारे घर के देते नहीं हमें। तो मैं सोच रहा हूँ किसी दोस्त को फ़ोन करूँ, बट सारे बिजी होंगे अब, तो उससे चलते हैं, टर्री से चलते हैं फिर, है ना। और सुबह मैं नहाने नहाया धोया था स्कूल जाने के लिए, फिर बारिश होने लगी आपको भी पता है, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। इंजेक्शन भी लगवाना था, फिर मैंने सोचा कि जाना नहीं है, सब लोग कहने लगे इंजेक्शन लगवा ले, नहीं तो तू भी पिटबुली बन जाएगा, है ना। तो यही है कि बने रहिए ब्लॉग में। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। और माफ़ी चाहता हूँ थोड़े लेट आ रहे हैं ब्लॉग, क्योंकि अभी हमें ब्लॉग की हैबिट नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हैबिट में लाने के लिए। तो भाई चलते हैं इंजेक्शन लगवाने। इंजेक्शन इंजेक्शन लगवा के बने रहिए ब्लॉग। मौसम भी तगड़ा ही हो रहा है तो, क्योंकि ऐसे बारिश पड़ रही है। यहाँ एक पेड़ भैया देख लो, अब पकड़ेंगे टिर्री। टिर्री पकड़ते हैं यहाँ से, जिसे हम बोलते हैं दादरी वाले टिर्री, ऑटो नहीं टिर्री। अजी ऐसे कैसे फिर पढ़े लिखे ना हो जाएंगे। और गाइस कीचड़ देख रहे हो कितनी हो रही है बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, हमारा 24 फुट आई है यहाँ पर, पहले बहुत पानी भर जाता था बट और गाइस आपको मिलवाते हैं एक हमारे भाई तगड़ी चीज। कैड़ी चीज मनोज भाई, जिंदगी में कभी कोई दिक्कत हो भाई से आके मिल लेना, सारी सॉल्व हो जाएगी। और भाई देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, भाई देखिए, भाई देख रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स। और भैया रील्स ने तो तहलका ही मचा रखा, तो भाई मिल गए रास्ते में, सोचा भाई से मिलते हुए चले। और भाई हमारी प्रोफाइल चेकआउट हुई है यहाँ पर, ये देखिए तरीके हम चल रहे हैं दादरी की वीडियोज। ऑटो तो ले लिया हमने, अब चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। इंजेक्शन लगवाने के बाद मिलते हैं आपसे और सारे सीन एक्सप्लोर कराएंगे आपको रास्ते के। तो बने रहिए व्लॉग में। और ये बताइए जो अभी एक दो सेकंड पहले जो सीन दिखाए हैं वो कैसे थे, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हमारा क्या छोटा फ्लाई ओवर। फ़ोन अपडेट कर लूँ SE से 11 या 12 वगैरह ले लूँ, तो मैं सजेशन दीजिए कौन सा बेस्ट रहेगा जो भाई आईफोन यूज़र्स हैं। 11 12 की क्वालिटी कैसी रहती है, बिकॉज मैंने तो कभी यूज़ किए नहीं है तो मुझे जानकारी नहीं है। और भाई ये फ्लाई ओवर अपना दादरी का फ्लाई ओवर। मार्केट में तो आ चुके हैं और आगे तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता, क्योंकि नंबर पर आ जाएंगी गाड़ी की, तो ये इलीगल होता है, यूट्यूब मना करता है इन चीज़ों के लिए।
क्योंकि गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह नहीं दिखानी चाहिए। और भाई चौराहे पे भी हम मेन चौराहे पर जहाँ से बस वगैरह मिलती है क्रॉस कर रहे हैं रोड, और ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ता कि पता लगे कि कोई गाड़ी वाला ठोक दे वह क्या होगा कुछ होगा कुछ पता भी इतना चलती कहीं भी। सारी हॉस्पिटल हमारे थोड़ी दूर है, बिल्कुल सामने जस्ट थोड़ी सी दूर जाने के बाद वहाँ लगवाएंगे इंजेक्शन। अगर वहाँ नहीं मिले तो बाई चांस बादलपुर में मिलेगा हमें, तो बादलपुर में ना मिले तो भैया मेरे तो समय आ रहा है। और भाई हॉस्पिटल में तो आ गए और हॉस्पिटल में एकदम सन्नाटा सा लग रहा है, जैसे कोई है ही ना, ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई है ही ना यहाँ तो आज। भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लापरवाही। मैंने बोला मेरा नाम है हर्ष चौहान, अर्श चौहान कर रखा था इसमें, अर्श हर्ष नहीं अर्श, तो मैंने कटवा के ठीक करवाया ठीक कर है ना, तो ये लापरवाही सही हो रही है भाई यहाँ तो तकड़ी, पता ना कैसे कैसे तो बैठा दिए हैं लाके, जिसमें नाम भी लिखना नहीं आ रहा, हर्ष बोल रहे हैं तो अर्श लिख रहे हैं। और अगर मैं बोलूँगा मुझे कुत्ते ने खाया तो बिल्ली काटने का इंजेक्शन लगा सकते हैं, ये कुछ पता नहीं है, लापरवाही जब तगड़ी वाली है, जब हर्ष की जगह अर्श कर सकते हैं तो भाई कुत्ते की जगह बिल्ली का भी लगा सकते हैं। और भाई इंजेक्शन तो लग गया हमारे और तगड़ा करके ही लगा। खैर जो भी है, लेकिन अपना हॉस्पिटल अपडेट हो चुका है बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, पहले कुछ नहीं था। पीछे वाली ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये भी अभी बनना स्टार्ट हुई है, और जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि सेक्टर 30 नोएडा की तरह हो जाए एकदम बढ़िया, तो यहीं हर सुविधा होगी, फिर सेक्टर 30 नहीं भरना पड़ेगा किसी। और थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में भी काम था तो पोस्ट ऑफिस में भी चलते हैं, पोस्ट ऑफिस बिल्कुल जस्ट हमारे सामने। और मुझे ना अकाउंट चेंज करवाना था, मतलब अकाउंट में नंबर चेंज करवाना था पोस्ट ऑफिस में, और मैं इसलिए पोस्ट ऑफिस आया हुआ हूँ, अंदर तो परमिशन नहीं है वीडियो वगैरह की, तो थोड़ा भारी कर लेते हैं भाई। एक पोपट होगा कि नू कह रहे हैं ये सगले सगले कि जहाँ से अकाउंट खुलवाया आपने वहीं से आपका नंबर भी चेंज होगा, तो अब हम अपने गोम को जाएंगे तो वहीं से नंबर चेंज कराएंगे। और ये अपना पोस्ट ऑफिस पीछे दादरी वाला, और अब चलते हैं घर ट्री पकड़ के। और भाई अब लेते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रेन बैठते तरीके में, कितनी देर में? अरे आ जाओ मैं चल रहा हूँ साथ के साथ, आ जाओ। और भाई दादरी के डिवाइडर चेंज हो चुके हैं, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि पुताई होगी अपने डिवाइडरों पे, ये वाली अब ऐसा लग रहा है कि ग्रेटर नोएडा हो, बिल्कुल प्योर ऐसा लग रहा है ग्रेटर नोएडा हो, बड़ी अच्छी बात है जो ये चेंज हो गए। और अब की ऊँचे भी हो गए हैं, है ना, ये देख रहे हो गए आप ऊँचे भी हो गए हैं। अब हम तो भाई एक ही बात कहेंगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है कि चेंज हो गए बिल्कुल। हम टिर्री देख रहे हैं, टिर्री तो हमें कोई मिल नहीं थी, वेट कर रहे हैं टिर्री का इंजेक्शन लगा के आए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है देख सकते हैं आप, पसीने में तर हो रहा हूँ मैं तो, फिल्म बनेगी देख रहे हैं ढंग। दोनों हाथों पर इंजेक्शन लगे हैं बहुत अच्छी तरीके से, प्रोफेशनल वे में लगे हैं एकदम तरीके में। और आप लोग ये सोचो कि ये टिर्री की बोल रहा है, तो भाई एकदम अपने दादरी की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, वैसे तो ऑटो ही होता है और आप सबको पता है कि ऑटो ही रहेगा हमेशा, पर जो डेली यूज़ होती है लैंग्वेज टिर्री, तो उसे कहने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो भाई देख लेते हैं, ये भाई ये वाला भाई भी जा रहा फाटक, और दोस्त फाटक जाते हुए हम बैठ चुके। और भाई मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि डिवाइडर चेंज हो गए, बड़ा अच्छा लग रहा है कि डिवाइडर कलरफुल हो गए हैं, और शायद अपने दादरी के फ्लाई ओवर वाले भी चेंज हो गए होंगे, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। जैसे इंजेक्शन इंजेक्ट हुआ है ना बॉडी में मेरे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है और पसीने आ रहे हैं और अजीब सा फील हो रहा है भाई। तो इंजेक्शन भी तो मेरे डबल लगे हैं डबल, क्योंकि पिटबुल ने काटा है।
और भाई कभी किसी की हेल्प करके देखो, दिल में बड़ी ठंडक मिलती है, बहुत अच्छा लगता है किसी की हेल्प करके देखो। मैंने तो करी है, मुझे पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने सभी दादरी वाले भाइयों से कि सबकी हेल्प कीजिए, जो हेल्प की लाइक है उसकी हेल्प की, अगर आप करने लायक है हेल्प तो कर सकते हैं भाई, अच्छा लगता है। और अभी नवीन हॉस्पिटल में देख लो।